morning, students. Nice to see you again. So, students, in our previous class, we were discussing about public sector enterprises. तो उसी public sector enterprises को हम continue कर रहे हैं. उसमें हमने discuss किया था statutory corporation क्या है, उसकी limitations, उसकी features, उसकी utility. और अब हम in this class we are discussing about government company. Now, what do we mean by government company? This is the third major type of public sector enterprises. This is the last topic of public sector enterprises which we are discussing today. So, government company, as the name itself is telling us, the company which is established by the government is known as government company. But any company which is having government's share equal to 51% in its paid up share capital is known as government. किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट ने 51% या उससे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल में, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है. एज इट इज अ कंपनी, सो इट हैज टू कंप्लाई विद द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. उसमें जो भी उसकी रूल्स है, जो उसकी प्रोविजंस है, उसको क्लियरली पूरा करना होता है. नाउ आई एम यूजिंग वर्ड हियर पेड अप कैपिटल. शेयर कैपिटल ऑफ एनी कंपनी इज ऑफ मेनी टाइप्स. आई डिस्कस दिस इन योर प्रीवियस लेक्चर, बट मे अगेन आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर. किसी भी कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट जो वो अपनी लाइफ टाइम में इश्यू करना चाहती है या कर सकती है, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. एंड द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑफरिंग बिफोर पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग इज नोन एज इश्यूड शेयर कैपिटल. एंड आफ्टर इश्यूड शेयर कैपिटल नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सक्राइब वो कैपिटल जिसके लिए लोगों ने अप्लाई किया, पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर, एप्लीकेशन आई उसके लिए, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब शेयर. देन कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी कैपिटल उन्होंने अपने शेयर होल्डर से मंगाई था. एंड देन पेड अप शेयर कैपिटल इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी इज नोन एज पेड अप. किसी भी कंपनी ने अगर गवर्नमेंट का शेयर उसकी पेड अप कैपिटल में 51% या उससे ज्यादा है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है. लाइक अनदर कंपनीज, इट हैज इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की है, तो इसको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी टाइम टू टाइम मिला करता है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंपनीज BHEL से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HMEL हिंदुस्तान मशीन टूल्स, SAIL दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. तो डिस्कस इन डिटेल्स दिस टॉपिक, लाइकवाइज इन फीचर्स. फर्स्ट फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अ फॉर्मेशन. इट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड टू यू पीपल दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, वेदर दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ ऑफ देम, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी. एंड इट इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट दिस कंपनी गोज फॉर एवर. And next is management. Management means जो भी इंडिविजुअल ऑपरेशंस को चलाने का काम है, all the functions, all the decisions, all the arrangements in all the business activities and non-business activities are done by the nominated persons, that is nominated directors. Then governed by memorandum of association and articles of association of the company.
गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स व्हाई इसका जो अकाउंटिंग का काम है, ऑडिटिंग का काम है, वो भी जो नॉमिनेटेड ऑडिटर्स होते हैं वही कर सकते हैं, वो सिलेक्टेड कंपनी से ऑडिट देयर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. नेक्स्ट इज फाइनेंस. फाइनेंस मीन्स द फंडिंग ऑफ दीज गवर्नमेंट कंपनीज. ऑब्वियसली दीज आर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई फंडिंग विल बी गवर्नमेंट से ही होती है. जब जितनी रिक्वायरमेंट होती है इन अकॉर्डेंस विद दैट रिक्वायरमेंट दे कैन गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो दीज आर द फीचर्स. फॉर्मेशन, फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट बाय कंट्रीब्यूटिंग 51% ऑफ पेड अप कैपिटल. सेपरेट लीगल एंटिटी, मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्न बाय एन इंटरनल रूल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एंड देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर इज ऑल्सो डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. यू मे बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस ऑल्सो, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड्स ऑल योर सपोज टू राइट द फुल फॉर्म्स. जैसे मैंने भी बोला, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और HMD हिंदुस्तान मशीन. तो आप लोगों को ये कुछ कंपनीज के नेम्स भी याद करने. नेक्स्ट इज मैरिट्स. गवर्नमेंट कंपनी की बीआर टू बिजनेस, वैसे कुछ पॉइंट्स कॉमन ही है जितनी भी हम पब्लिक एंटरप्राइजेस डिस्कस कर रहे हैं. बट वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट दैट इज इजी फॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज 2013, उनकी कॉम्पिटिटिव उनकी जो भी प्रोसीजर है उसको पूरा करते हुए कोई भी कंपनी जो है वो क्या है. बेसिकली जो हम
वेलफेयर के लिए जरूरी है सोसाइटी, जिसमें सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनी ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और लास्टली जो हम एज यूजर कहते हैं, इफ यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड देन दिस गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो यू आर सपोज टू मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल दीज types of public sector enterprises. And also one important thing, you people are supposed to make a comparative study. Ek chart apni registers pe apni long exercise jo aapki books hai uspe aap ek banaye, jisme common points ke basis par in teenon mein difference show karna hai. Isse hoga kya, isse aapko bhi bada aasani se learn ho jayega ki what do we mean by government company, agar usko public corporation ke saath पॉइंट्स डिफरेंस के आते हैं, और अगर उसे हम कंपेयर कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के साथ, तब उस सिचुएशन में हमें कौन से पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ डिफरेंस अमंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो होप यू हैव डन इट वेरी वेल।